हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सुमेरपुर विधानसभा चुनाव के लिए 43 नामांकन भरे, भाजपा व कांग्रेस ने भी अपने नामांकन भरे। सुमेरपुर से राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 को लेकर सोमवार को अंतिम दिन तक कुल 43 नामांकन किए गए, जिसमें भाजपा प्रत्याशी जोराराम कुमावत हजारों कार्यकर्ताओं के साथ एवं कांग्रेस प्रत्याशी रंजू रामावत ने सुमेरपुर से सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मुख्य मार्गों से होते हुए जुलूस निकाला और उसके बाद निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन पेश किया। सोमवार को नामांकन भाजपा से जोराराम कुमावत, कांग्रेस से रंजू रामावत, भारत वाहिनी पार्टी से शंकर सिंह राजपुरोहित, नया भारत पार्टी से किशोर बी शर्मा, शिवसेना से संतोष कंवर सहित कई निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपने नामांकन दाखिल किए। भाजपा प्रत्याशी जोराराम कुमावत के साथ अनेक बड़े चेहरे साथ थे, वही कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रंजू रामावत के साथ कांग्रेस के प्रमुख नारदर थे। जहां भाजपा कार्यकर्ता एकजुट दिखे और किसी बागी होने या नामांकन नहीं भरा, वही कांग्रेस के बागी प्रदेश प्रतिनिधि चंदन सिंह राजपुरोहित, पीसीसी सदस्य बुराराम सिवरी ने निर्दलीय नामांकन दाखिल किए। कांग्रेस प्रत्याशी रंजू रामावत ने मीडिया के सवाल पर भड़कते हुए कहा कि अटपटे से लग रहे हैं, क्योंकि ये कोई सवाल ही नहीं है। देखिए, बीना काग जी जो है बहुत ही सीनियर लीडर है और नेतृत्व ने उन्हें 7 दफ़ा मौका दिया और आज आपके सामने जो व्यक्ति खड़ा है, जिसे कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशी के रूप में यहाँ उतारा है, आदरणीय राहुल गांधी जी, अशोक गहलोत साहब और सचिन पायलट साहब ने एक युवा नेतृत्व को यहाँ पे मौका दिया है जो 15 साल से कांग्रेस पार्टी के लिए कार्य कर रहा है और एक कार्यकर्ता की जीत है। देखिए, आपने स्थानीय बड़े नेता की बात की, कांग्रेस पार्टी में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता, ना हमारे यहाँ कोई स्थानीय जैसी चीज है। मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, कांग्रेस पार्टी 36 कौम की पार्टी है, ना इसमें तेरा है ना मेरा है, ना स्थानीय है ना बाहरी है। तो ऐसे फालतू के सवाल पैदा करके मुझे लगता है हम समाज को और देश को तोड़ने और मोड़ने का काम करते हैं। इस तरह के सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए। मुझे जो मौका मिला है, मैं युवा महिला हूँ और मैं चाहूँगी कि हमारे जितने युवा साथी, मेरे भाई मेरे साथ यहाँ पे खड़े हैं और मेरी जो माताएं बहनें हैं जो मेरे साथ यहाँ पे उपस्थित भी थी, उनके लिए मैं चाहूँगी कि आने वाले वक्त में एक ऐसा विज़न तैयार किया जाए या उनके लिए कुछ इस तरह के काम यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसी में किए जाएं जो पूरे राजस्थान के अंदर अनूठे हों। तो मैं चाहूँगी कि कुछ इस तरह के काम हो जो आने वाले वक्त में आप देखेंगे जब मैं चुनाव जीत के आऊँगी और जनता मुझे जिताएगी। अभी आपके साथ पीवी चौधरी और वर्तमान विधायक मदन राठौड़ जी भी साथ थे, आपके सभी कार्यकर्ता साथ हैं, मदन जी भी साथ हैं आपके साथ, क्या सभी नेता सभी कार्यकर्ता पूरी पार्टी मेरे साथ है और निश्चित रूप से सब चुनाव लड़ रहे हैं और रिकॉर्ड मन से जीत करेंगे। सुमेरपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।